देश में कई ऐसी जगहें हैं जिनके बारे में हमने भी सुना है कि बहुत डरावनी है। हम अक्सर इतने एक्साइटेड होते हैं इन जगहों के बारे में जानने के लिए, इनकी कहानियां जानने के लिए कि हम इनके दूर दूर दर्शन तक करने जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं एक ऐसी हवेली के बारे में जो राजस्थान के कोटा में है, और उसकी कहानी सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। कहा जाता है कि वहां से भूत को भगा दिया गया है, लेकिन उसकी कहानी वाकई डरावनी है। तो आज इस खास रिपोर्ट में हम आपको हॉरर स्टोरी सुनाएंगे, एक ऐसी कहानी जिसको सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और ऐसे ही हम हर बार आपके साथ या तो किसी खास जगह के बारे में बताएंगे या आपको ऐसी ही डरावनी कहानी सुनाएंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज में। एक बार फिर से मैं आपके साथ साधिका कौर। तो देखिए हमारा ये हॉरर प्रोग्राम और जानिए ये खास कहानी। आज हम आपको राजस्थान के कोटा शहर की एक भूतिया हवेली के बारे में बताने जा रहे हैं और इससे जुड़ी कहानी के बारे में। ये हवेली राजा महाराजा के समय में बनाई हुई थी, लेकिन पिछले 20 सालों से इस हवेली में आज तक कोई भी रहने के लिए नहीं आया। इच्छा होने पर भी इस हवेली में कोई भी नहीं रह पा रहा था, क्योंकि लोगों का कहना था कि इस हवेली में भूत प्रेत इन सब का साया है। वहीं एक पुरुष, जब अजीत सिंह को इस हवेली के बारे में पता चला तो उसने तय किया कि वो इस रहस्य को जान कर ही रहेगा। क्यों लोग इस हवेली में नहीं रह पा रहे? वहीं उस इंसान ने मजबूत इच्छा शक्ति से हवेली में रहने की पूरी तैयारी कर ली। जब उसने हवेली के अंदर जाने के लिए पैर आगे बढ़ाया तो दरवाजे पे किसी अनजान व्यक्ति ने उसे रोक लिया और नजदीक जाके बोला, कौन हो आप और किधर जा रहे हो? वहीं उन्होंने कहा कि मेरा नाम अर्जुन सिंह है और मैं यहीं पास में रहता हूँ। अजीत सिंह ने कहा, ओ अच्छा, मैंने सुना है कि ये एक भूतिया हवेली है और यहाँ कोई रह नहीं पाता है, इसलिए मैं इस हवेली में एक दिन रुकने का फैसला किया है। अर्जुन सिंह ने कहा, जी हाँ, आपने सही सुना है और आप भी अंदर मत जाइए। मेरी माने तो आप भी वापस लौट जाइए, यहाँ बहुत खतरा है। ये सुनकर अजीत सिंह खुश हो गए, जैसे उनकी कोई लॉटरी लगी हो। वहीं अर्जुन ने उसकी खुशी को देखकर बोला, आप क्यों खुश हो रहे हो? आपको तो भूत का नाम सुनकर डर लगना चाहिए। वहीं अजीत सिंह ने कहा कि शायद आपको पता नहीं है, मैं भूत प्रेत में काफी दिलचस्पी रखता हूँ। अगर इस हवेली में भूत है तो मैं अंदर जरूर जाऊंगा और सारी सच्चाई का पता लगाऊंगा। इतना कहकर अजीत सिंह उस हवेली में चला गया। अंदर जाके अजीत ने अपने बैग को साइड में रखा और हवेली के चारों ओर देखने लगा, सारे रूम्स भी चेक कर लिए। बाद में ड्राइंग रूम में आके सोफे पर बैठ गया। उसने वहां बैठकर दारू के 2-4 पैग पिए। वहीं अचानक उस रूम में लाइट का एक बल्ब चालू बंद होने लगा, लेकिन अजीत ने उस पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद दूसरा बल्ब चालू बंद होने लगा, फिर तो हवेली के सारी लाइट चालू बंद होने लगी। ये सब देखकर अजीत अपनी जगह पे खड़ा हो गया और संपूर्ण सावचेत हो गया। अचानक उसके सामने एक छोटा टेबल हवा पर उड़ने लगा, करीबन 6 फुट हवा के ऊपर जाके गोल गोल घूमने लगा और बाद में अजीत की ओर तेजी से आने लगा। अजीत ने तुरंत ही अपनी जगह बदल दी और दूसरी ओर चला गया और वो टेबल वहीं जाके गिरा जहाँ अजीत खड़ा था। अजीत कुछ समझ पाता उतने में सोफे की शीट उसकी ओर आने लगी। वो जल्द खड़ा हो गया और छलांग लगा के दूसरी ओर कूद गया, जिसके कारण सोफा दीवार पर टकराया और अजीत बच गया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। अजीत ने चारों ओर सतर्कता से देखा और बड़ी आवाज में बोला, तुम जो भी हो सामने आकर मुझसे बात करो। वहीं एक बड़ी परछाई उसके सामने आई। अजीत ने उस परछाई को देखकर बोला, कौन हो तुम और क्यों मुझे मारना चाहते हो? वहीं परछाई बोली, तुम्हारी भूल के कारण। अजीत बोला, मेरी भूल? मैंने कौन सी भूल की? परछाई ने बोला, इस हवेली में आने की भूल। मैं किसी को भी इस हवेली में खुश नहीं देख सकता। वहीं अजीत ने पूछा, लेकिन क्यों? वहीं उस परछाई ने जवाब दिया, आज से 18 साल पहले इस हवेली के मालकिन ने मुझे यहीं पर मार डाला था।
मेरी कोई गलती भी नहीं थी। इस कारण ही मेरी आत्मा इस हवेली में भटकती रहती है। मैं किसी को भी इस हवेली में नहीं रहने दूंगा, क्योंकि इस हवेली में मेरा खून हुआ था। इस हवेली में जो भी रहने के लिए आएगा उसकी मौत होगी। वहीं अजीत ने कहा, मैं तुम्हें अपने असली रूप में देखना चाहता हूँ। वहीं भूत ने कहा, तुम्हें मारने से पहले मैं तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूरी करूंगा। और उस परछाई ने एक भयानक दरमयान रूप ले लिया। उसका चेहरा इतना भयानक था कि अजीत भी एक क्षण के लिए डर गया, लेकिन दूसरी ही क्षण में उसने अपने आप पर काबू पा लिया। बाद में उसने अपनी जेब से सफेद पाउडर निकाला और उस भूत पर फेंक दिया। भूत के ऊपर पाउडर पड़ते ही वो जलने लगा, बड़ी बड़ी ज्वाला उठने लगी। वो बहुत जोर जोर से चलाने लगा, बाद में पूरी तरह से जल गया। उसके बाद अजीत ने चैन से सांस ली और वहीं पर सो गया। दूसरे दिन सुबह जब अजीत को सही सलामत हवेली से बाहर आते थे, अर्जुन आश्चर्य हुआ। अर्जुन ने अजीत से पूछा, तुम कैसे जिंदा हो? जब अजीत ने अर्जुन को कल रात की घटी घटना को पूरी तरह से बताया और बोला, अब ये हवेली भूतिया हवेली नहीं रही है। आपको बता दें कि ये हवेली राजस्थान के कोटा में है। और ये कहानी अजीत सिंह ने सबको बताई थी। इस कहानी पर कई टीवी सीरियल्स में घोस्ट टीवी सीरियल्स ने शूटिंग तक की हुई है। वहीं आज भी लोग इस हवेली को देखने के लिए जाते हैं, लेकिन अब इस हवेली में कोई और किसी तरीके का डर नहीं है। लेकिन आज भी अगर कोई इस हवेली के अंदर जाता है तो इस हवेली की सुनसान दीवारें, सुनसान दरवाजों को देख कर वो वैसे भी डर ही जाता है। कहा जाता है इस हवेली में जहाँ एक आत्मा बहुत सालों से वास कर रही थी, वहीं जब इस हवेली को उस आत्मा से मुक्ति मिली, उसके बाद इस हवेली में पूजा तक कराई गई। लेकिन आज बहुत साल हो गए हैं, इस हवेली में अब कोई भी ऐसी घटना नहीं घटी जिससे ये कहा जा सके कि इस हवेली में अब भी भूत है। अजीत सिंह ने उस दिन भूत को उस हवेली से बाहर निकाल दिया था। वहीं आपको बता दें कि इस हवेली में लोग दूर दूर से घूमने आते हैं। यहाँ पर बहुत सी पुरानी चीज़ें हैं जिनको देख देख कर लोग हैरान हो जाते हैं। कहा जाता है कि जिस भूत के वहां पर निशान मिले थे उसके कपड़े आज भी वहां पर मौजूद हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि कहा जाता है कि यहाँ पर जो भूत था उनके मालिक मालकिन ने उसका अंत कर दिया था, और इसी वजह से वो अपना बदला सबसे लेता था और इस हवेली में किसी को नहीं आने देता था। वो इस हवेली में अपना राज समझता था, कहता था कि जो मुझे मेरे मालिक ने यही मारा है तो मैं यही रहूंगा और मैं किसी को नहीं आने दूंगा। लेकिन उस आदमी ने, जो कि भूतों पर विश्वास तो करता था लेकिन भूतों को भगाने का भी काम करता था, उस आत्मा को मुक्ति दिलाई। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।